अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह आ गई थी ये मछली वाली और ये बेहतरीन एकदम ताज़ी मछली लेकर आती है। और ताज़ी मछली की बात ही अलग होती है, जब हम इसको बनाते हैं तो इसका टेस्ट ही अलग होता है। तो ये हमारे घर पर ही आ जाते हैं मछली लेकर। तो ये देखें, दो किस्म की ये मछली लेकर आई है, एक बड़े वाली और एक ये छोटी वाली मछली लेकर आई है। बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होती है ये, लेकिन फ्राई करने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। इसको मैं बिल्कुल एकदम साबुत साबुत ही फ्राई करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ये छोटी वाली ये वाली मछली ले रही हूँ और ये यहाँ पर सफाई कर रही है। तो यहाँ पर इसको पूरे अच्छे तरीके से साफ़ कर देगी और इसके अंदर का पेट का जो गंदगी है वो सारी निकाल देगी। और इसकी मैं कटिंग नहीं करवाऊँगी, इसकी मैं बड़े बड़े पूरी साबुत मछली रखूँगी, इसके पीसेस नहीं करवाना है मुझे। हमारे यहाँ ये घर पर ही मछली लेकर आ जाती है, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से मछली को पसंद भी कर सकते हैं और उसकी फिर कटिंग भी आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पर पूरी सफाई करके जाएगी। तो मछली को अच्छी तरीके से साफ़ करवाने के बाद मैंने उसको अच्छे से वॉश करके नमक लगा कर रख दिया था करीब 4 से 5 घंटे। और शाम के टाइम अब मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ, फ्रीज़र में रखने के बाद इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। तो नमक अच्छी तरीके से लगा दिए, तो नमक की लगाने से बोटियाँ अच्छे तरीके से नमकीन हो जाती हैं, तो मछली आपकी बहुत ज़्यादा नमकीन बनेगी। और इसको बनाएंगे अब हम बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से। तो यहाँ पर हम एक चटनी तैयार करेंगे जो कि सारा मसाला उसी के अंदर ऐड कर देंगे। बार बार आपको किसी मसाले को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं मिर्चों की डंठल तोड़ रही हूँ, थोड़ी सी मैंने 4-5 मिर्च ले ली हैं। साथ में डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और नींबू का रस ले लेंगे। और साथ में एक चीज़ और डालूंगी मैं ख़ास इसके अंदर, वो है संतरा। तो संतरे को मैं यहाँ पर आधा डालूंगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आपका दिल चाहे तो आप इसको डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा संतरा डाल रही हूँ। और एक नींबू का रस भी डाल देंगे हम इसके अंदर ही, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका रस भी हम इसी चटनी के अंदर निचोड़ देंगे ताकि हमें इसमें कोई भी परेशानी ना हो, इसको मसाले में हमें कुछ भी चीज़ भूल ना पाए। तो इसी जार के अंदर हम सारी चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी भी हो जाती है और झटपट तरीके से हमारा काम भी हो जाता है। इसके बाद डाल देंगे हम 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो मछली के अंदर लहसुन बहुत अच्छा लगता है। नमक डाल देंगे 1 चम्मच। नमक हमने मछलियों में पहले भी बहुत सारा लगा के रखा था, इसलिए मछलियों में थोड़ा सा नमक हमने इस टाइम कम लिया है। उसके बाद डाल दी मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा डाल देंगे हम गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर डाल रही हूँ मैं काला सोंधा नमक, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और सबसे अच्छी खास चीज़ है इसके अंदर अमचूर पाउडर। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के करीब मैं यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हम बिना पानी के ही इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर हमारी बेहतरीन सी चटनी या मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको यहाँ पर हम एक बाउल में खाली कर लेंगे ताकि हमें मछलियों पर लगाने में आसानी हो जाए। तो ये देखें, अब एक एक कर कर मैं सारी फिश उठाती जाऊँगी और धीरे धीरे करके सारे उस मछलियों के ऊपर मैं अच्छे तरीके से मसाले को कोट कर दूँगी। पेट के अंदर भी मसाला लगाना है आपको, ताकि बहुत अच्छे तरीके से एक एक बोटी इसकी मज़ेदार चटपटी हो जाए। तो चारों तरफ इसके हम अच्छे तरीके से लपेट लपेट के मसाले को लगा देंगे और इसी तरीके से हम सारी मछलियों को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी मछलियों में अच्छे तरीके से मसाला लग के तैयार हो गया है। और इसी के साथ हमने गैस पर एक पैन गरम होने के लिए रख दिया और उसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालेंगे, क्योंकि हम इसको शेलो फ्राई करेंगे, इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तेल हमारा अच्छे तरीके से गरम हो चुका है और अब इसके अंदर हम डाल देंगे फ़िश। तो जितना बड़ा आपका पैन हो उसके हिसाब से आप इसमें फ़िश डालें, 1 या 2 इसके हिसाब से, क्योंकि हमें इसको पलट पलट कर कर चलाने के लिए भी थोड़ी सी जगह चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 फिश डाल दी हैं इसको फ्राई करने के लिए। और अब हमने बिल्कुल गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है और इसको स्लो आंच पर ढक्कन ढाँक कर हम इसको पकने देंगे। करीब 5 से 7 मिनट एक साइड हम इसकी पकने देंगे, उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। धीरे से आहिस्ता से हम इसको पलटें, क्योंकि इसकी बोटियां बिल्कुल एकदम से गल जाती हैं। और इसको अब हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से ढक्कन ढाँक कर
फ्राई होने के लिए रख देंगे। इससे दोनों साइड से ये अच्छी तरीके से हमारी मछली पक के तैयार हो जाएगी, अंदर तक ये अच्छे से गल भी जाएगी। अब दोनों साइड से हमारी मछली अच्छी तरीके से गल चुकी है। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम फुल कर दिया है और अब इसको हम खुले आंच पर अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे। तो दोनों तरफ से अलट पलट कर कर अब हम इसको खुली आंच पर 5 से 7 मिनट और फ्राई करेंगे, ताकि जो इसकी ऊपर की स्किन है एकदम से बेहतरीन क्रंची हो जाए। अंदर से ये एकदम से जूसी और गली हुई सॉफ्ट बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो ये इस तरीके से हम इसको दोनों तरफ से पलट पलट कर सेक लेंगे। तो देखते ही देखते हमारी एकदम चटपटी सी फिश बनके तैयार हो गई है। और इसी तरीके की चटपटी रेसिपी पाने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम इसको कर लेते हैं सर्व। ये हमारी चटपटी सी फिश हो गई है तैयार। तो गर्मा गर्म यहाँ पर हम इसको सर्व करते हैं एक खूबसूरत से अंदाज में। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक ट्रे और इसके अंदर गर्मा गर्म ही हम इसको सर्व कर देंगे। तो खाने वाला आपकी तारीफ किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा, इतनी मज़े की ये फिश बनके तैयार हुई है। तो साथ में रख देंगे हम एक नींबू कटा हुआ और थोड़े से रख देंगे हम संतरे की कलियाँ, ताकि पता चले कि फ्लेवर आ कहाँ से रहा है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।